हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर शांकिविज और मैं एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। 5 साल तक मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस करी, उसके बाद मेरी जॉब लग गई सेंट्रल गवर्नमेंट में और मैं फिर अब डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और अब डिपार्टमेंट वालों को दवाइयाँ देता हूँ। तो ये चैनल बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं होम्योपैथी की जितनी मेरी नॉलेज है वो मैं शेयर कर सकूँ तुम लोगों के साथ और बता सकूँ कि होम्योपैथी एक्चुअली में काम कैसे करती है। ये पहली वीडियो है मेरी और पहली वीडियो का टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है, टॉपिक है जो मैं क्लिनिक में होता था और मेरे से बहुत सारे लोग पूछते थे कि एलोपैथिक मेडिसिन का हमें पता है कि वो काम कैसे करती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का हमें पता है कि वो काम कैसे करती है, पर होम्योपैथी एक्चुअली में काम कैसे करती है। तो ये वीडियो में अगर आप जानना चाहते हो कि होम्योपैथी एक्चुअली में काम कैसे करती है तो ये वीडियो को एंड तक देखते हैं एंड आपको एंड तक पता ही चल जाएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन तो आखिर में काम कैसे करती है। शुरुआत करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन से। एलोपैथिक मेडिसिन में एक सपोज इट इज फॉर एन एग्जांपल वी टेक एन एलोपैथिक मेडिसिन, उसके अंदर हमने एक पैरासीटामोल की गोली खाई, वो पेट में मुंह में डाली, पेट में गई, पेट में घुल गई और पूरे शरीर में फैल गई और जहां जहां उसे काम करना है वो वहां काम कर देती है। पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। कभी भी आपने अगर नोटिस किया हो तो अगर आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ ली हैं आपने कभी, तो आपको डॉक्टर 3-4 तरीके से ही दवाइयाँ देता है। या तो आपको बोलेगा क्लिनिक में, जैसे मैं करता था कि अपने पेशेंट को बोलता था मुंह खोलिए और मैं 2-3 बूंदे उनके मुंह में डायरेक्टली डाल देता था। दूसरा, मीठी गोलियों में जो एक ऑब्वियस लगता है लोगों को कि होम्योपैथी सिर्फ एक मीठी गोलियों की पैथी है और कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो अब काम कैसे करती है वो सुनिए। जब मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि मुंह खोलिए और मैं उनकी जीभ पे दवाई डालता हूँ तो जीभ के ऊपर कुछ नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स पेट को वो दवाई सेंसिटाइज करती है एंड दैट मेडिसिन गोज फ्रॉम योर टंग टू योर ब्रेन एंड इट द ब्रेन क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल डिजीज इन द बॉडी। अब ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म हो गया, तो इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोजली एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा यानी कि आपकी बॉडी है, वो एक छोटा बच्चा है, उसके पास एक खिलौना आ गया, छोटा खिलौना या बड़ा खिलौना, जैसा भी बड़ा खिलौना, जैसे मुझे सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो उसका उसको हम ऐसे सोचेंगे कि वो एक छोटा खिलौना है मेरे पास। तो इसके बाद होगा क्या, अब आप गए एक डॉक्टर के पास, मेरे पास या किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो वो क्या करेगा, आपको वो छोटे खिलौने के बजाय एक बड़ा खिलौना आपको दे देगा। मतलब आपके शरीर के अंदर वो एक आर्टिफिशियल डिजीज उससे मिलती जुलती। होम्योपैथी इज अ जर्मन वर्ड, होम्यो मीन्स सिमिलर, तो हम आपके शरीर में एक सिमिलर डिजीज क्रिएट करते हैं जो एक छोटी डिजीज को ओवरकम कर लेती है। तो ये जो बच्चे वाला एग्जांपल है उसके अंदर ये होगा कि अगर आप उसको बड़ा खिलौना दे दोगे तो वो छोटे खिलौने से शायद नहीं खेलेगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेगा। तो होम्योपैथी में भी ऐसा ही होता है, हम आपके शरीर में एक बड़ा खिलौना डाल देते हैं कि आप इस छोटे वाले खिलौने सर्दी खांसी जुकाम के साथ मत खेलो, आप बड़े खिलौने के साथ खेलो जो कि उससे ज्यादा इंटेंसिटी में है। सर्दी खांसी जुकाम मुझे हुआ, मैंने सेम सर्दी खांसी जुकाम आर्टिफिशियली आपकी बॉडी में क्रिएट कर दी जो उससे ज्यादा इंटेंसिटी में है। तो वो इंटेंसिटी जब ज्यादा होगी तो वो जो छोटी वाली बीमारी है वो चली जाएगी और वो जो बड़ी वाली बीमारी है उसको हम धीरे 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 करके खत्म कर देंगे, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है, उसको कुछ वो नहीं है, वो हमने जानबूझ के क्रिएट करी है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कभी कभी कि होम्योपैथी डॉक्टर्स या होम्योपैथी के बारे में मैंने बहुत बार मिथ सुना है। जब मेरे पास पेशेंट्स आते थे तो वो मुझे बोलते थे जी हमने सुना है कि होम्योपैथी पहले बीमारी को बढ़ा देती है फिर कम करती है। वो एक्चुअली बढ़ा नहीं देती है, एक बट जब कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हमने सेम बीमारी को इंटेंसिफाई करके कंट्रोल कर लिया तो वो कंट्रोल्ड डिजीज है, उसके अंदर आप बीमार फील नहीं करते हो, उसके अंदर यू फील बेटर। जब आप बीमार होते हो तो आप बीमार फील करते हो, पर जब आप होम्योपैथिक दवाई लेते हो और आपको दवाई सूट कर गई तो आप अगर बीमार भी हो गए, मतलब सपोजली आपको सेम सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो भी आप बीमार फील नहीं करोगे। ये बेनिफिट है होम्योपैथी का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब होम्योपैथी कैसे काम करती है। अगर और जानना चाहते हो होम्योपैथी के बारे में तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल पे हम कनेक्ट हो जाते हैं, फेस टू फेस विल टॉक, कुछ भी नई वीडियोस आएंगी तो टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसके ऊपर आपको पोस्ट कर दी जाएगी। और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि बहुत सारी होम्योपैथी के रिलेटेड में मेडिसिन, दवाइयाँ, बीमारियाँ,
होम्योपैथिक दवाई काम कैसे करती है, कौन कौन सी मेडिसिन आपको अपने पास रखनी चाहिए रेगुलर बेसिस में। जैसे एलोपैथी में हम पैरासिटामोल, डिस्प्रेन और ये सब रखते हैं, ऐसे होम्योपैथी में भी बहुत सारी दवाइयाँ जो आपके घर पे होनी चाहिए। अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं और आप खुद हो, तो आपके घर में ये कुछ बेसिक मेडिसिन हैं जो 90% ऑफ थिंग्स कवर कर देती है। एडवांस चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर्स की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत रहती है। तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, मिलते हैं अगली वीडियो पर।